ही गाइस गुड मॉर्निंग। रूट कैनल किया हुआ जो था मेरे दांत में, तो उसमें कैप लगा हुआ था, तो वो जो है निकल गया। तो इसलिए अभी मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो मैं अपने साइकिल की सवारी से ही जो है डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ। फिर मैं डेंटल हॉस्पिटल पहुँच गया और डॉक्टर साहब थोड़ा सा व्यस्त थे, तो थोड़ा वेट करना पड़ा। अच्छा, वो दांत का जो रूट कैनल है ना, कैप है ना, वो निकल गया है। हाँ, क्या कैप तो लाए हैं। एक जी, ऐसे क्यों लगेगा, इसकी सफाई हो गई पूरा। ये भी तो आपका केविटी बना हुआ है दांत पे, उसके आगे वाला दांत पे। हाँ, वो भी है, कैविटी है जो दांत का कैप निकला है। वो जो है ना, मैं अभी आपका वो ब्रिज जो बोल रहे हैं ना, पहले मैंने ब्रिज बनवा दूंगा। अच्छा, नहीं ब्रिज की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो आपका कैविटी है ना, ये नॉर्मल फिटिंग से ठीक हो जाएगा, क्यों आप ब्रिज पे वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि ब्रिज बनाने जाइएगा तो इसको कटिंग करना पड़ेगा दांत को, अच्छा, चारों साइड से कैपिंग के लिए। क्यों, अच्छा आपको काटिएगा, ये नॉर्मल फिलिंग करा लीजिएगा, हो जाएगा। বলো, আমি চেম্বার আছি ছটা। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক 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 ঠিক। जानते क्या हो गया, इसमें जो है ना पानी जाते 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 हाँ। उसमें जो खाना जो है ना, वो पूरा अंदर में फंस पूरा था, पच पच कर रहा था। जब निकला ना तो मैं उसको वास किया था, खाना घुसा हुआ था। हाँ, उस वाले में कैप हाँ, में इसीलिए वही चीज तो बोल रहे ना, क्योंकि ये परफोरेट है। हाँ, वो टूट गया, मैं देखा उसको, देखा ये छेद जो है ना, छेद हो ये तो खाना पानी से अंदर जाएगा, तो वो आपका दांत को छोड़ाएगा जो अंदर अंदर दांत अगर आप मेटल फ्री कैप लीजिएगा, जैसे ये मेटल कैप है ये लगाए जो है। हाँ, ये कितने का है, ये हमको आइडिया नहीं, क्योंकि कैप देखने में सब एक जैसा लगता है। ये एक्चुअली रूट कैनल के साथ में मतलब वो तो कम पड़ा होगा, कम पड़ा होगा। रूट कैनल के साथ आपको 1000 पड़ता है कैप का। हाँ, नॉर्मल कैप का 1000 पड़ता है रूट कैनल के साथ। स्केलेट का एटलीस्ट ये कितने महीने तक चल जाएगा? क्यों चल जाएगा है? ये कैप निकलेगा नहीं, बट प्रॉब्लम ये करेगा ना कि जो परफोरेशन है, छेद है, उसके थ्रू खाना लीक करेगा अंदर, तो मटेरियल को धीरे धीरे लीक करने लगेगा। जैसे मान लीजिए हम कैप लगाए, वो मान लीजिए 10 साल चलना है। नहीं, अभी एटलीस्ट 1-2 महीने तो चल जाएगा। हाँ, तो दौड़ने दीजिए थोड़ा, 1 महीना अभी थोड़ा फाइनेंशियल भी थोड़ा चल रहा है। मैं देखा तो मुझे पहले लगा कि नहीं यार, ये छेद हो गया है, गड़बड़ है, लेकिन फिर भी बोला कि चलो थोड़ा अभी नॉर्मल करा लेता हूँ। अब ये दांतों और आपका तो सिलसिला लगा हुआ है ना, इसके लिए मैं बोला ये छेद नहीं हुआ होता ना, तो फिर आपको कैप चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टाइम भी आपसे कराया था ना, मेरे को तो बहुत मस्त हो गया ये नहीं, वाला था। पेशेंट खुश, उसी में हम लोग का सब कुछ है।
नहीं, मैंने रेकमेंड भी किया था एक दो जन को, तो अभी और रेकमेंड करूंगा। दूसरे का नहीं बोल सकते सर, लेकिन मेरे यहाँ यही है ना कि पेशेंट जब खुश होता है ना तो वो पेशेंट से डबल खुशी हमको होता है। नहीं, वो तो है, पेशेंट से डबल खुशी होता है। बाकी समझ लीजिए, ये दांत जो है ना मुझे निकालना पड़ता, लेकिन आप जो है इसको बढ़िया कर दिए, ये मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा है। सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे क्लिनिक के नाम पे एक गूगल पे होगा पेज, थोड़ा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, रेटिंग दे दीजिएगा बस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे कुछ नहीं। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जब बिजनेस खुल जाता है ना तो फेक रिव्यूज भी बहुत कॉल आता है मेरे पास कि सर ये इतना अमाउंट लगेगा पर रिव्यूज, 50 रुपये लगेगा, आप करवा लीजिए। हम लोग फेक रिव्यूज देते हैं, 500, 600, 700 कमेंट, लाइक ये वो, बट हम फेक रिव्यूज पर ही आते हैं। मेरे पेज में देखिएगा मुश्किल से 10 से 8 ही रिव्यू है, लेकिन जेन्युइन है। हम पेशेंट को ही बोलते हैं अगर आपको अच्छा लगा आप रिव्यू कर दीजिएगा, मेरे पास कुछ नहीं, गूगल में क्लिनिक का नाम सर्च कीजिएगा, उसमें आप कमेंट। ये दो कैप के बीच में खाना ही फंसता है क्या आपका? हाँ, गैप बहुत ज्यादा है इसलिए बंद करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आप। ये अपने बॉम्बे से लगवाया था शायद? हाँ जी जी, कब गया? अच्छा, अब मेरा केस है। लास्ट टाइम याद? हाँ, ये अपने रिया सिटी केस है। हाँ, ये वाला, ये तिवारा, तिवारा, हाँ तिवारा, हाँ जी जी, तिवारा केस है। ड्यूटी ये इधर वाला जो दोनों है ना, ये दोनों बॉम्बे से ही कराया हूँ, ये दोनों अभी परफेक्ट है।
बैठ बंद करेंगे, 10-15 मिनट बाद कॉटन को फेंक दीजिएगा बस। हो गया।